العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. आपके सामने हाजिर हूँ, अक्सरियत ही जानती है, काफ़ी शिगिर्द भी हैं, दोस्त भी हैं। तो जैसा खान साहब बता रहे थे कि 2010-12 से लेकर अब तक हम 4-5-6 आदमियों के ऊपर एक लेबल लगा रहा है, हालांकि वो हमारा टेन्योर कितना था जी? 2 साल का टेन्योर था। उसके बाद पूरे पंजाब में कोई इलेक्शन नहीं हुई, कोई सिलेक्शन नहीं हुई, चलता रहा। साफ जाहिर है कि दोस्त जो रब्ता करते थे, वैसे तो अल्लाह ताला की रहमत है कि आज के दौर में हर आदमी जो है ये हमारे अजीज हमसे तेज हैं और उनके अजीज उनसे तेज हैं, बल्कि मैंने देखो छोटे छोटे हमारे जो पोतियाँ पोते हैं वो हमसे ज़्यादा तेज हैं। तो खैर, इसके बावजूद दोस्तों की मेहरबानी मुख्तलिफ लोगों के रबते वाबते करते रहे, कोशिश करते रहे हैं। कुछ लोगों की तवक्कोआत पे पूरे उतर सके होंगे, कुछ लोगों की तवक्कोआत पे पूरे नहीं भी उतर सके होंगे। तो जिनकी तवक्कोआत पे पूरे ना उतर सके होंगे उनसे इंतहाई माजरत, और जिनकी तवक्कोआत पर पूरे उतरे तो ये हमारा फ़र्ज था, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं, क्योंकि जो फ्रंट पे खड़ा होता है उसको सुननी भी पड़ती हैं, आगे से भी इधर से भी होता रहा सिलसिला। पिछले 3 साल पहले एक दफ़ा हमने इधर मीटिंग बुलाई है साझा क्राम की, और ख्वाहिश थी हमारी यार आप जो है ना ये सिलसिला नौजवानों को सपोर्ट कर दिया जाए। काफ़ी अरसा हो गया, अब हमारे पास ना इखलाकी जवाज है ना कानूनी जवाज है, पर ये तो मेहरबानी है लोगों को, फ़ोन कर देते हैं अकबर अली साजिद यार ये करना वो करना और कह देते हैं PTU, हालांकि देर इज नो PTU इन दिस पोजिशन। ठीक है जी, तो चलो एक ये एक कुदरती सिलसिला होता है कि कोई ना कोई मरकज़ होना चाहिए और वो मरकज़ का काम करते रहे हम साथी मिलजुल के। तो 3 साल पहले उस वक्त भी लोग बहुत कम आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं फिर भी काफ़ी लोग हैं, उस वक्त बहुत कम लोग आए थे, वो हमारा वो प्रोसेस उधर के हो गया। अब फिर पिछले काफ़ी दिनों से जो है ना हमारी ये ख्वाहिश थी कि चलो कम से कम एक चीज़ का अगर हमारे ऊपर लेबल है तो बिल्कुल छोड़ के या उसको दफन कर देना या बिल्कुल तबाह बर्बाद नीस्त नबूद कर देने से बेहतर है कि कुछ लोगों को आगे लाया जाए, हम भी उनके साथ जितना हुए चलेंगे बाकी लोग भी चलेंगे। तो ये इस किस्म के बात थी जिस सिलसिले में आज आप सब लोगों को तकलीफ दी गई है। एक जो शिकायत हमें रही है बतौर PTU आप लोगों से, आपसे बरात टीचर कम्युनिटी सब से, आपकी तो बहुत मेहरबानी कि आप तो आज भी तशरीफ लाए बैठे हैं, पहले भी आ जाते हैं कुछ लोग बिल्कुल। तो असल ये होता है जी कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसका पीछे उस ट्रेड के सारे लोग जनाब सीसा पिलाए द्वार बन के ना खड़े। और ये सिर्फ मनकेरा की बात नहीं, मनकेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव है, अकबर साहब तो जनाब लाहौर तक के वो मुजाहिद हैं, तो लाहौर भी जाके देखा है तो मनकेरे के लोग ही मिले हैं, बाकी जब उससे लोग नहीं आ रहे होते। तो ये हमारी शुभी किस्मत है बतौर टीचर या हमारी ट्रेड यूनियन इस हवाले से इंतहाई कमज़ोर है, और कमज़ोर होने की मेन वजह ये है कोई भी आदमी, जब से ये अगले दिन भी बात हो रही थी इंकलाबी साहब आए हुए थे कि यार जब से ये PDA एक्ट का, ये भी एक सीधी सी बात है प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई अहदेदार PDA एक्ट में आ जाता है तो बाकी लोग उसके साइन तक नहीं होते, चलो जेल में जाके मुलाकात, वो इंकलाबी का भी एक इलाका है जेल में मिलने तक हो गया। तो भाई अगर हम अपना कोई मजबूत पटवारी कितने हैं यार पंजाब में, आपके असले अशीर नहीं है, 10वां हिस्सा भी नहीं है, 20वां 50वां हिस्सा होंगे पटवारी पंजाब में, और वो जिस बात पे अड़ जाते हैं जो AC का तबादला करवा के रहेंगे वो कैसे कर? PDA एक्ट उन पर भी तो लग सकता है, हम पे क्यों लगता है या हम अपनी बात क्यों नहीं मनवा पाते? जायज बात, चलो नजायज मुतालबात तो चलते रहते हैं, जायज बातें में हम अपनी, और सीधी और सच्ची बात यह है कि आप मेरे समेत हमारी सब कोशिश ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बस अकबर यार तू तकड़ा थी, मिसाल के तौर पर ऐसे नहीं है, एक एक होता है तो जब 2-1 कर देते हैं तो फिर ये आप साझा करा में 11 बन गए, यार 2 ना हुए अब 11 बन गए।
तो स्ट्रेंथ जो है उसके अंदर ताकत होती है। एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि तंजीम में नौ भी होनी चाहिए, और मेन जो है मैं ज़्यादातर ये रिक्वेस्ट करूँ कि PTU सबका PTU की तरफ से कि भाई जब तक आप खुद मालिक नहीं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते होते हैं, अगर खुद एक्टिव हो तो फिर तुम्हारे नुमाइंदे होंगे वो भी एक्टिव होंगे, फिर तुम्हारे मुलाजिम होंगे वो भी एक्टिव होंगे, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी एक्टिव होंगे। अगर खुद ही मैं सोया पड़ा हूँ और मैं कहूँ कि मेरे बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, हो भाई पहले मैंने खुद पढ़ी है, मेरे नुमाइंदे ने यह काम नहीं किया, वो घड़ी की तरफ बार बार देख रहा है, मुझे बताया घड़ी है भी नहीं तब भी देख रहा है। तो बहरहाल गुजारिश ये है जी कि खसूसी तौर पर नौजवानों से कि भाई अगर अपना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, एक आप मैं मुझे बड़ी खुशी इस बात की, मैं 93 में आया था, अकबर साहब भी ये जितने पुराने लोग यानी 20वीं सदी वाले हैं ना जी, उस वक्त पोजिशन ये होती थी कि थोड़ा हम बताते हुए शर्मिंदा होते थे यार टीचर उस तो आप लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत है आप लोगों के ऊपर, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इस वक्त आपके महकमे में बैंकों को छोड़कर लोग आए हुए मौजूद हैं, पेट्रोलियम पुलिस को छोड़कर आए हुए मौजूद हैं, और जिन महकमों का अच्छे अच्छे सैकुन को छोड़ के लोग ये रिवेन्यू से जनाब, लैंड रिकॉर्ड से जनाब, वो सब लोग छोड़ के इधर आए हैं, क्या वजह है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके मकाम है, इज्जत है, शऊर है, लोगों के अंदर तालीम है, लोगों को पता है कि मैं अगले दिन फेसबुक पर पढ़ रहा था कि सियालकोट के इलाके में एक बूढ़ा टीचर था, उसने डाकुओं ने लूटा है, लूटने के बाद पूछा कि चाचा जी कर्जे की हो, उसने कहा बेटे में उस्ताद हूँ, उन्होंने हाथ बांध के वो पैसे का पूछा कि यार आप उस्ताद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक मकाम है, एक इज्जत है, थोड़ा जाके धड़ल्ले से बताएं आज मैं टीचर जिस जगह पर खड़े वजीर आजम के सामने खड़े, डॉट वरी, और भाई इज्जत है आपकी, किसी मुआशरे में चले जाएं आप, अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुआशरा तो इस्लामी मुआशरा है, आपके तो बानिए मुआशरा, बानिए दीन ने कहा है कि इन नमगुश्त बोलने इन नमगुश्त मल्ले, मुझे टीचर बना के भेजा गया है। मैं कहता हूँ आप ब्रिटिश में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, हर जगह पे टीचर का एक मकाम है, टीचर की इज्जत है। और अगर कुछ कमियां कोताहियां माजी में रही हैं तो उसके अंदर कुछ मुआशरे का हाथ है, कुछ हमारी अपनी कमजोरियाँ भी रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है, जैसे वो कहते ना कि नहीं ना भी कष्ट बिना से ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है शफी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमें खुशी है कि 10-12 साल पहले वाली PTU के मुकाबले में आज जो लोग आएंगे वो ज़रूरतमंद होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, वो दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब कुछ किया है, लेकिन जो मैंने फिर वही बात है कि जो कमज़ोरी रही है वो सपोर्ट दी कमजोरी, पीछे धिक्का कौन है, सीधी जी गल धिक्का कौन है, सपोर्ट जो लोग फ्रंट पे हैं वो फ्रंट पे हैं ही, फ्रंट को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं असर डिपेंड ड्राइवर पे करता है। तो बस मेरे ख्याल में बातें तो बहुत कुछ है करने को। इमदाद भुट्टा साहब तशरीफ ला रहे हैं, इमदाद भुट्टा साहब आ रहे हैं, ये बहुत मंजे हुए हैं ये तहजीबी सिलसिले में, ये हमारे उस्ताद हैं। ये टाइम तो फकीरा साहब को आखिर में देना चाहिए था, तो फकीरा साहब ने बहुत सी बातें कर ली आपसे, और मैं फकीरा साहब की इस बात को खराज तहसीन पर खराज तहसीन पेश करता हूँ और तईद भी करता हूँ। उन्होंने फरमाया है कि हमने आपको एक सेटअप बना के दिया है, जो पहले सेटअप चल रहा था आपको बना बनाया सेटअप मिल गया है, सही बात, ठीक है ना, तो आप अब आपने इसको चलाना है, ठीक है ना। तो मैं PTU के हवाले से दो चार बातें आपसे कहूँगा कि PTU जो है ना सन 2000 से मनकेरा तहसील में चल रही थी, सन 2000 से, और मुझे याद है कि 2001 में जब असातिज़ा किराम के टेस्ट लिए गए थे ना, इसमें पोस्ट टेस्ट ट्रेनिंग के इंतजाम पर, तो बखर में भरपूर एहतजाज हुआ और तहसील मनकेरा फ्रंट लाइन पे था उस वक्त, तो हमारे इधर अपना हेडमास्टर थे, हेडमास्टर साहब जनाब अफजल खान साहब के पास जाता था, तो हमारे सीनियर दोस्त हेरा साहब कमी साहब सारे इकट्ठे हुए, तो उनके साथ मजाकरात हुए, फिर हमने उसको लड़ाई को ख़त्म किया और अलहमदिल्ला पोस्ट टेस्ट भी ख़त्म हो गया। तो PTU का एक गुलदस्ता जिसमें हमारे ज़िले सदर
असद खान दोनों साहब भी आपसे मुखातिब थे, तो मौजूदा सेटअप जो चल रहा था उसके प्रेसिडेंट रियाज बेग साहब प्रेसिडेंट की फौती हुई है वो नहीं आ सके मदद कर रहे हैं, और अकबर अली साजिद जनरल सेक्रेटरी जो कि तंजीम के रूह रवान हैं, और इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो असाज़ा कराम को मोतियों की एक लड़ी होती है बिखर जाती है उसको खोए रखते हैं, ये ऐसी शख्सियत। और शकेरा साहब, मेरा ख्याल शकेरा साहब के पास शिगिरदी बैठे हैं, हर दर हर दिल अजीज शख्सियत हैं, दीदावर दानश्वर नहायत अदबी शख्सियत भी हैं, और खसूसन पी टी यू मनकेरा को चलाने के लिए कदम ब कदम इन्होंने हमारी रहनुमाई भी की है, मशावरत भी की है, और बड़े ऐसे अंदाज में चलाया है और चला रहे हैं, और आप भी हमारी सरपरस्ती भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपकी मशावरत से जो मजलिस आमला बनेगी उसमें भी इंशाल्लाह वो हमारी सरपरस्ती करेंगे। इसके अलावा अहमद हसन साहब सीनियर टीचर हैं, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ, मैं शुक्रगुजार हूँ। और हैदराबाद से हमारे मुनीर हुसैन खान मोहम्मद, ये भी हमारे दरीना दोस्त हैं पी टी यू के, मलिक राम नवाज भिलवाल जिनका तल्लुक भिलवाल वाला से है, ये भी 2010 से बाकायदा पी टी यू के साथ कर रहे हैं, और खसूसन मैं उन दोस्तों का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा जो गोहर वाला से हैं, गोहर वाला से हमारे मलिक महमूद रसल कुंदी का पाई से तल्ला गया उनका, मलिक जफर अब्बास पुशिया, मलिक नजर अब्बास पुशिया, और ये ऐसे दोस्त हैं जो कि साल की रिवायत दोस्ती निभाने का जो हक अदा करते हैं ये बोल हो गए हैं, तो इनका तावन भी आपके साथ है। और पीटीयू के साथ हर मुश्किल घड़ी में जिन दोस्तों ने अपना हमारे साथ तावन किया है, मुआवन मददगार रहे हैं, उनका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिसमें हमारे मोहतरम प्यारे दोस्त कैम हुसैन खान बख्शी रिटायर्ड थे, मलिक अख्तर हुसैन केस SST रिटायर्ड, सरदार अब्दुल गफूर खान जो हो गए आजकल हेड मास्टर एलिमेंट्री स्कूल कत्तर, शेख आफ्ताब साहब, चौधरी खालिद हुसैन साहब, मार सफदर अब्बास लरा दरबूला से, जमाल अब्दुल नासिर PhD रिटायर्ड, चौधरी मोहम्मद हुसैन गुजर PhD रिटायर्ड, चौधरी मोहम्मद अरशद गुजर रिटायर्ड PhD, चौधरी मोहम्मद नवाज सियाल कोटी, शेख बिलाल साहब और मोहम्मद अली साहब मेरे कुलीग रहे हैं बैठे हैं, रमज़ान साहब हैं, रमज़ान शेर साहब हैं, ये पुराने दोस्त बैठे हैं हमारे, फिजा रियाज साहब हैं, गुलाबर शहीन लंबी जिंदगी थे वो भी हमारे साथ थे, अब्बास अली साहब, ये हमारे पुराने दोस्त हैं और आप यूथ हैं, और माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है, मैं फिर कराऊँगा बात फरूक सुखेरा साहब, उन्हें भी खुशी है, मुझे भी खुशी हो रही है कि आप चमकते हुए सितारे नए लोग आ गए हैं, और ये सीनियर लोग बैठे हैं जो आपकी सरपरस्ती करेंगे, और ये काम सारे आपकी मशावरत से चलेगा, बाद में भाइयों को भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हर मौका पर PTU का साथ दिया है, और मैं ये बात फख्र से कहता हूँ कि ज़िला बखर में पंजाब की टीचर यूनियन को हमेशा तसीम मनकेरा की क़ियादत ने ही परवान चढ़ाया है, और हर टीचर कास की तहरीक का आगाज भी तसीम मनकेरा से हुआ है, तो मैं नौजवान दोस्तों के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि प्रोफेसर शफकत गुलजार रिटायर्ड हो चुके हैं डिग्री कॉलेज से, उन्होंने कहा था कि अजा हालात गड़बड़ तक क्या थी गए, मुदब्बर मार गए धाड़ियन तक क्या थी गए, खुशी ये है जो सिंच को आण में ढेटा ने, ये कर बेहोश में झाड़ियन तक क्या थी गए, और हकूक अपने की खातिर लोग लड़ वेंदन, हकूक अपने की खातिर लोग लड़ वेंदन, सारियाँ अखियाँ गया लाड़ियन तक क्या थी गए, असा बुजदार दीवा बाल के रासू ये थल मारू दे जखड़ियन तक क्या थी। चाय आने को है, चाय पियेंगे और इंशाल्लाह इख्तिताम हो जाएगा और ये तकसीम हो जाएगा। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं,
काफ़ी टाइम हो गया तो उसमें आए हुए भी हैं। इलेक्शन हुआ, सारी तफसील आपके सामने है। उसके बाद हम चले, जितना हम कर सकते थे हमने अपने बसात के मुताबिक असाज़ा की फलाह के लिए काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि तहसील मनकेरा ज़िला बखर की लीड यूनिट, जब भी बखर में प्रोग्राम हुआ, जब तक मनकेरा वहाँ नहीं पहुँचा प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। बहुत बड़ा प्रोग्राम था गोल चक्कर जंग मोड़ पे, और असर खान और बाकी ज़िला के लोग भी आए हुए थे। इमदाद भुट्टा साहब की क़यादत में हम यहाँ से मनकेरा से गए, और उधर से गोहरवाला से दोस्त आ रहे थे, और वो इंतज़ार में थे कि जब हम आए उसके बाद असर खान हमारे साथ चल के स्टेज पे पहुँचे और प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद लाहौर में धरना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 3 जून 2016 का जो धरना था उसमें फारूक सुखेरा साहब ने भी मेहनत की, मैं भी हाजिर हुआ, और उस वक़्त पूरे धरने की लीड जो थी वो तहसील मनकेरा का, जिसमें मरकजी कायदीन थे उनके लोग और हमारे लोग तकरीबन बराबर थे, और सारी लीडिंग जो थी वो सारी की सारी गोहरवाला से। अगर मैं जफर अब्बास कुशिया और महमूद कुंदी का जिक्र ना करूं, और मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त प्यारे भाई सफदर अली जाफरी, ये तीन जो थे उस पूरे धरने, पंजाब लेवल का जो धरना था उस पूरे धरने के रूह रवान थे, इनके हाथ में था धरना। ये जब चाहते थे ख़त्म कर सकते थे, जब चाहते थे जितना चला सकते थे चलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बसात के मुताबिक काम किया। यही जगह है, यही जगह थी, यही कमरा, और उस्ताद सईद साहब के साथ जब जड़ी पे मसला बना था फिर उनके खिलाफ खबरें लगी, हमारे अहदेदार भी थे वो, बहुत अच्छा वर्क किया सईद हाशिर साहब ने, बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने अपने यूनियन के प्लेटफॉर्म से। उनके साथ जब मसला बना तो फिर डिप्टी डीओ तहसील मनकेरा इसी कमरे में आए और असाज़ा के सामने सईद से माजरत की। अल्हम्दुलिल्लाह ये किसकी बरकत थी? ये असर की नहीं थी, ये अकबर की नहीं थी, बल्कि ये पीटीयू की बरकत थी। ये पीटीयू का वर्क था कि वो मजबूर हो गया कि अगर मैं यहाँ मजरत नहीं करता तो उसके खिलाफ मजीद एहतजाज। वो सारी चीज़ें हमें जब भी जिस बात का भी पता चला असाज़ा के खिलाफ कोई एक्शन हुआ या हमें पता चला, हमने भरपूर कोशिश की है कि हम उसके साथ करें। जहाँ नहीं पता चल सका तो शायद हम वहाँ पहुँच भी नहीं सके होंगे। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं, अपने आप से है कि मैं शायद उस अंदाज से पहले काम नहीं कर सका। अब हमारी ख्वाहिश थी कि वक्त तब्दील हो गया है, जदीद दौर है, और भुट्टा साहब से सुखेरा साहब से असर खान से और आपसे एक से मुशावरत करके उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त रिटायर हो गए हैं, कुछ दोस्त साइड पे हो गए हैं, तो नए दोस्त जो आ रहे हैं, नए नौजवान आए हैं, उन्हें इसकी लीड संभाल के दी जाए, पीटीयू को लेके वो चले, उसके लिए फिर वक्त देना पड़ता है। तमाम दोस्त गवाह होंगे इसमें कि मैं कितना रब्ता किया है कितने दोस्तों से, इस तरह वक्त देना पड़ता है, रब्ता करना पड़ता है, उस वक्त फिर ये दिया जाता है। तो नए दोस्त जो आ रहे हैं उनके से यही गुजारिश होगी कि जो भी होता मिलता है, सदर भी उतना ही काबिल एहतराम है, और जॉइंट सेक्रेटरी और जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो भी उतना ही काम जो बाइज्जत अहदा है, यूनियन का अहदा है, वो सारे एक ही जैसे हैं, सारों ने मिल के काम करना है। ये नहीं कि ये सिर्फ सदर ने करना है, ये जनरल सेक्रेटरी ने करना है, अगर पूरी टीम काम करेगी तो बेहतरी आएगी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, भुट्टा साहब की मुशावरे से भुट्टा साहब की तरफ से शुक्रिया। बात किया और मैंने सरपरस्ती की, ठीक है, और वजह से मीटिंग में ज़्यादातर सुखेर साहब आते थे, अकबर साज साहब, रियाज बेग साहब, अगर अब्दुल्लाह जफर अब्बास महमूद रसन सारे दोस्त पहुँचते थे, लेकिन इनके साथ थे। और आज अलहमदिल्ला पी डी यू की नई तकरीब शादी कर रहे हैं, तो अब मैं तमाम दोस्तों से ये मशावरत से ये करूँगा कि प्रेसिडेंट पहला अहदा हमारा प्रेसिडेंट है, उसके लिए आप दोस्तों की मशावरत से आप जिसका नाम चैस करेंगे जो नामिनेशन करेंगे वो मैं सुझाव करूँगा। जी
साजिद साहब ठीक है सर। महाराज जी बहुत अच्छी ये सिलेक्शन आपकी कि दो अकबर अली साजिद हम हिजरों में शामिल तो हैं लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि सराय की जाते तो छोटी धूप की वजह तो भांडे भनन जो भी जरूरी ठीक है सर क्यों नहीं है बस सुनैन आ गया तो फिर सुखेरा हो गया सुखेरा साहब वो मनीटरी का जिक्र कर दी गए वो मनीटरी ही साहब जा रहे हो सुखेरा साहब सुखेरा साहब ने शिकायत नहीं दे पाए मजलिस से आमला है सर मजलिस से आमला सुखेरा साहब चेयरमैन ਸਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਜਲਿਸ ਆਮਦਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਇੰਦਾ ਬੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਿਕ ਰਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਰਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਵੈਸ ਇੰਦਾ ਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਨੈਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਭੇਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਰ ਵਾਨ ਅਵਲ ਦੋ ਉਬਲ ਦੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਾਰੂਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ये सर नहीं मेरा ख्याल है दोस्तों से भी थोड़ा सा ये दोस्तों से मैं गया तो इतना कि नहीं दोस्त नहीं जाएगा तो चेंज है तो चेंज है ये भी आवाज आ रही है डिस्कशन थी सर कोशिश करें कि ये कोऑर्डिनेशन साथ से यानी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कर आपकी यू वन यंग एजुकेटर्स जो है एजुकेटर मैं भी हूँ सुखेरा साहब भी एजुकेटर है अकबर अली साजिद भी एजुकेटर है रेगुलर है पीएचडी है पीएचडी है ठीक है सर जो आपकी कोऑर्डिनेशन यंग दोस्तों के साथ है कोशिश करें कि हर यूनिट कौंसल से अब मरकज नकेरा है हेडक्वार्टर भी है अकबर अली साजिद साहब आ गए हसनैन रजा मरकज नितिन भी है यूनियन काउंसिल यानी ये कारू वाला और जो नितिन है ना ये दो मरकज हैं उन्हें हम तो यूनियन काउंसिल ठीक है ना ये उधर से आ गया फरूक नवाज साहब सड़सठ एम एल यूनियन काउंसिल भी है डगर कोट भी साहब है ठीक है अच्छा उसके बाद नैब सदर दोम होगा अच्छा उसमें तीन दोस्त थे जिन्होंने आना था और उनकी ख्वाहिश भी थी लेकिन वो बाबा जय मजबूरी नहीं आ सके टाइम भी देने के लिए तैयार है एक अब्दुल खालिक हैं वो जी सूरदेव हैं पर साजिद साहब से बात की उनका भला उन्होंने ये नई तनकीन साजी करें अब सारे दोस्त जो है ना वो बैठे हुए हैं और वो मशरे के साथ जो है ना सर तजावीज़ के साथ तो नए लड़के के बैठे हुए हमारे वो आप इंदा साहब जैसे वो मतलब तजावीज़ देते रहे आपकी देरे खाले आप निगरानी में जो है हम नई पीढ़ी ठीक मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम और प्यारे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मेरे क्लास इंचार्ज भी मौजूद हैं और मैं उनकी मौजूदगी में गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ कि कोई इतने ज़्यादा अल्फाज बयान कर सकता और मैं इस स्टेज पे या कोई भी टीचर है या हम में से कोई भी हैं जो इस स्टेज पे पहुँचे वो अपने असातिज़ा कराम की वजह से मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं सातवीं क्लास में था और हमारे इंचार्ज जनाब मोहतरम फरूक सुखेरा साहब थे अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा बस दो बातें हैं तो सर ने मुझे मॉनिटर अपॉइंट किया दूसरे दिन मैंने सर से कहा कि सर मैंने तो मॉनिटर नहीं बनना मुझे तो शौक ही नहीं है पढ़ाई खराब होगी तो बग़ैर कुछ पूछे बग़ैर कुछ बताए अच्छी खासी चित्रोल हुई उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा अपडेट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर उस टाइम ये चीज़ें ना होती तो मे भी मैं इस स्टेज पे ना होती बेशक मैं और आप सब जहाँ तक हैं जो भी हैं अपने असातिज़ा की वजह से मुझे जो है पर्सनली अभी जो नई पीटीयू बनी है उसके हवाले से मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ बखर में अताउल्लाह खैर साहब ने भी शुरू किया है पीटीयू के हवाले से तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने भी कहा कि आपको मनखेरा वहाँ पर सदर बना देते हैं और आप अपनी टीम करें और ये करें और वो करें तो मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें कहा
कि मैं अपने असातिज़ा को बाईपास करने का तो सोच भी नहीं सकता जो वहाँ पे पहले ऑलरेडी मौजूद है। हम उनके शागिर्दुल शागिर्द हैं, तो हम किस तरीके से उनको बाईपास कर सकते हैं? अगर आप कर दें मुझे बिलफर्ज कल के लिए, परसों के लिए आप आके तकरीब कर लेते हैं, वहाँ पे सारे नॉमिनेशन भी हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा इन औरतों का जो मेरे असातिज़ा कराम की मशावरत से ना? तो ये सारे के सारे जो अकबर अली साजिद साहब बैठे हैं, इमदाद साहब हैं, अहमद हसन साहब हैं, सर हैं, तो सारे मेरे असातिज़ा कराम, तो मैं इनको बाईपास करने का तो बिल्कुल सोच सकता ही नहीं था। और मैंने उन्हें फिर फौर ये कह दिया कि मैं अपने मोहतरम टीचर्स के साथ मशावरत के बाद आपको जो है वो बताऊँगा, उसके बाद हमारा जो लाया अमल होगा वो हम तैयार करें। उन्होंने कल का कहा था कि हम सैटरडे को तकरीब कर लेते हैं, और मतलब वो कुछ और चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि सैटरडे को तकरीब हो जाए और बंदों की सारों की जो है वो सिलेक्शन हो जाए। तो फिर मेरी अपने जो है असातिज़ा कराम के साथ बात हुई, मशावरत हुई, सर ने कहा है कि हमारी तकरीब 10:30 बजे है, हम आपको कोई कैद नहीं कर रहे, आप जिधर मर्जी जाना चाहें आप जा सकते। तो मैंने अकबर अली साजिद साहब से और इमदाद साहब से ये रिक्वेस्ट की, सर हम आपके बगैर किधर जा सकते हैं, हम कहीं भी नहीं जा रहे और हम आपके पास ही आ रहे हैं, आपकी मशावरत से अगर हम इस काबिल हुए, अगर आप इस काबिल समझते हैं, तो कोई ना कोई जो मर्जी आपका होता हो वो हम इंशाल्लाह जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी, जहाँ तक काम हो सकेगा, हम अपनी तवानाइयाँ ज़रूर सर्व करके इंशाल्लाह ताला असातिज़ा की जो है वो खिदमत करने करेंगे और मौका हासिल करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आप लोग में से अक्सर सिद्ध में मुबारक हैं, आप लोग भी शायद कुछ लोगों के अलावा कुछ सामने आते हैं जिनको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। आप लोगों को सबको पैर पर सुनाई हुई होंगी 2010 की बात है। 2010 में जब मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मेरा इरादा जब बना कि हमने एक जुमत सुनानी है, तो उस वक्त मलिक नवाज साहब भी तशरीफ ले आए हैं, ये भी हमारे पुराने साथियों में हैं, अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, माशाल्लाह ठीक है, लग ठीक है। तो उस वक्त हम चंद एक दोस्तों ने, जिनमें इमदाद साहब मौजूद थे, उस वक्त जब हमारा ये प्रोग्राम बना, अल्लाह ताला एक दो दोस्तों को जगह तसीब करे, वो अब हमें नहीं है, और ख़ास तौर पर सज्जाद शाह साहब सब हम लोग आए थे लाहौर से, उस वक्त जब मैं जगह करता था तो आखिर और तो रास्ते में बात हुई कि किन लोगों को हमें अपने बारे में लाना है, क्योंकि हमें उस वक्त पता था कि हमने इलेक्शन लड़ना है, सिलेक्शन वाली बात नहीं है। तो वहाँ पर एक मुहिदा हुआ कि हम उन लोगों को लाएंगे जो पहले किसी यूनियन में नहीं रहे, सब यंग जनरेशन वो मैदान में आएगी। पहला इलेक्शन हमारा पक्खर में हुआ, पक्खर का इलेक्शन कुछ तनाजात का बहस में बना, लेकिन उसकी पोजीशन ये थी कि जो यूनियनिस्ट हमारे मुकाबले में थे वो मैदान छोड़कर चले गए। तकरीबन वहाँ पर उस 900 वोट के करीब पास्ट हुआ था, जिनमें से 700 के करीब हमारा था और 200 कुछ के करीब जो है वो उसका था, वो वहाँ से चले गए। दूसरा इलेक्शन हमारा हुआ मनकेरा में, मनकेरा में जब इलेक्शन हुआ तो मनकेरे की पोजीशन ये थी कि अब सिकंदर गिल हमारे बहुत खूबसूरत शरीफ उल्लाफ उस्ताद रहे हैं, तो रिटायर हो गए, उनका मनकेरा में बहुत बड़ा नाम था, और उनके मुकाबले में हम लोग लाए आमिर को, आमिर खान को, जिसको कोई सुबह इमदाद के कोई नहीं पहचानता था कि आमिर भी यहाँ पर है।
न्यू पहले लड़का था उसको लाए जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, उसमें उस वक्त के वीडियो माज शहबाज कमर और हमारे वीडियो सेकेंडरी मुख्तार हुसैन सुबीला से इन्होंने हमारे सख्त तरीन मेरा ख्याल है उस वक्त मंगेरे तहसील का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर हम लोग नहीं गए। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, 12 वोट से तकरीबन हम जीते थे, बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत तरीन इलेक्शन हो। उसके बाद ये इलेक्शन ना उस तरह का होना है और ना शायद होगा, वो आपके बन जाती इलेक्शन कैसे होते हैं इस टाइप का इलेक्शन फेयर। तो उस वक्त हमारी यूनियन जो थी उसको एक बहुत बड़ा अरूज हासिल हुआ, तकरीबन 8-9 साल हमने बड़ी खिदमत की, लेकिन उसके बाद हम सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा होकर बिखरना शुरू हो गए। बिखरने से मुराद ये नहीं है कि अब जब मैं ज़िले में अपने दोस्तों को आवाज़ देता था तो सिवाय मेरे चंद उन साथियों के जो मुझे नहीं छोड़ सकते थे, वो लोग तो पक्कर पहुंच जाते थे, बाकी आम असाज़ा की कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अब जब इनकी मेरी बात हुई है तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट किया कि यार यंग जनरेशन को लेकर आओ, हम बूढ़ों का वो वक्त नहीं रहा और ना हम ये चाहते हैं कि आप लोगों का हक जो है वो मारा जाए। आप लोगों का हक है, आप लोग आए, जितनी मदद हम लोगों से हो सकेगी वो हम लोग आप लोगों के लिए करने को हर वक्त तैयार हैं। हर तहसील आपने बाकी खुद बनाएगी, बाकी दोस्तों को भी कह दिया गया है, मंजीरा दलिया खान बक्कर को वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने अच्छे और वो लड़के मैदान में आए जो लड़के एक जज्बे के साथ हैं और जो कुछ काम कर सकते हैं। असाज़ा की बेहतरी के लिए जितना कुछ आप लोग कर सकते हैं उतना करें, हमें उतनी खुशी होनी है कि हमारे लगाए हुए पौधे जो हैं वो आगे जाकर बहुत कुछ करेंगे। और ये मैं आपको बता दूँ कि यूनिस्ट के लिए दिल भी चाहिए, स्टैमिना भी चाहिए, थोड़ी सी बर्दाश्त भी चाहिए। बर्दाश्त नहीं होगी तो भी आप आगे नहीं निकल सकेंगे। तो आप लोगों से हमारी बहुत सी तवक्कोआत, इकबाल साहब, सुबेरा साहब, इन लोगों से हमारी बहुत सी तवक्कोआत वाबस्ता हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें जो है बहुत आगे ले जाए, बहुत तरक्की करें। और इनमें से जो लोग एक्टिव होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो पंजाब लेवल तक जो है हम लोग मौके लेकर दें। थैंक यू वेरी मच जी, आपको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई।